हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट वर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिसे आप लोग कल के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। साथ ही में हम लोग हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल के लिए मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा में ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को डबल टॉप पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। साथ ही में अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बनते हुए नजर आएगा। तो कल अगर इस एम का नेकलाइन टूट जाता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। 899 पर हमारा टारगेट रहेगा 890 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 902 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और अगर कल ये गैप ओपन होता है, लेट से यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा देर वेट करेंगे इसके रिटेस्ट लेने का, और उसके बाद हम लोग को इसके अंदर सेल साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और कल के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है बर्जर पेंट। इसके अंदर ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार रेक्टेंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खुद को इसी रेक्टेंगल के बीच में एक्यूमुलेट कर रहा है। तो कल अगर ये अपनी सपोर्ट जोन को तोड़ देता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 6 to 1.8 पर। हमारा टारगेट रहेगा 616 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 6 to 4 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। और ट्रेडर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आज हम लोग को GRSE में देखने के लिए मिला था, जिसे मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, और उसके अंदर हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है आज। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग इसका डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वहां पर आप लोग अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, मैं पर्सनली आप सभी के क्वेरीज को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, कल के लिए मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेन एंड पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो पैटर्न है ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया है, तो इसके अंदर आप लोगों को कल हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो अगर इस पेन एंड का ब्रेकआउट आता है अपसाइड में तो हम लोग इसे बाय करेंगे 886.5 पर। हमारा टारगेट रहेगा 892 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 884 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। वहीं पर अगर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 877.5 पर। हमारा टारगेट रहेगा 871 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 880 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.6। कल के लिए मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है HDFC बैंक। इसके अंदर भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेन एंड पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है अपसाइड में तो हम लोग इसे बाय करेंगे 1432 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1440 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1428 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। वहीं पर अगर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है तो सेल करेंगे हम लोग इसको 1421 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1412 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1424 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और कल के लिए ट्रेडर्स मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम भी आते हुए हम लोग को दिखा है। तो कल अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो हम लोग इसे बाय कर सकते हैं 786 पर। हमारा टारगेट रहेगा 792 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 783.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.4। वहीं पर अगर ये नीचे की साइड में अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है कल तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 779.5 पर। हमारा टारगेट रहेगा 772 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 782 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। तो ट्रेडर्स ये पांच इंट्राडे स्टॉक्स आप लोग कल के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। साथ ही में आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है कल के इंट्राडे मोमेंटम के लिए। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में ये अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करने का ट्राई किया था, पर बहुत ही ज्यादा अच्छा वॉल्यूम के साथ हम लोग को इसके अंदर भी बाइंग होते हुए नजर आया है। तो कल अगर ये अपने 2680 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम लोग को इजिली इसमें 2700 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर अगर कल ये अपने सपोर्ट जोन को तोड़ देता है और इसके नीचे का क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग को सेल साइड में भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। इसके अंदर 2659 पर हम लोग सेल करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 2641 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2665 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। तो ट्रेडर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी आप लोग जरूर अपने वॉचलिस्ट में ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हम लोग को मिल रहा है।
और साथ ही में ट्रेडर्स, ये सारे इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को आज के इंट्राडे सेशन के लिए शेयर किया था, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन सबके अंदर आज इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। पर्सनली अगर मेरा बात किया जाए तो आज मैंने ज्यादा इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि आप सभी को पता है मैं अपने हर एक वीडियो में बताते रहता हूँ कि मैं जो अपना इंट्राडे ट्रेडिंग है 9:20 के बाद स्टार्ट करता हूँ, और बहुत सारे आज स्टॉक्स में तब तक हम लोग को टारगेट भी अचीव हो गया था। तो पर्सनली मुझे BLS और सिर्फ गोदरेज एग्रो में ही ट्रेड करने का मौका मिला, और फिर लास्ट में मैंने TCS के अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। तो अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सारे इंट्राडे स्टॉक्स में आज ट्रेड लिया था, कितना प्रॉफिट बनाया है, और आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहा है। आइए देख लेते हैं कि इन सारे स्टॉक्स ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो आज के लिए हम लोग का सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था गोदरेज एग्रो। इसके अंदर ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं जैसे ही इसने अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, इसके अंदर हम लोग को बहुत ही शानदार सेलिंग होते हुए नजर आया, और ये आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। और आज के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक था हीरो मोटो। इसके अंदर ट्रेडर्स आज हम लोग को ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये आज बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद इसके अंदर कंटिन्यूअस सेलिंग भी होते हुए नजर आया। अगर यही ये अपने इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए जाता तो हम लोग इसको इसके अंदर भी एक शानदार इंट्राडे ट्रेड मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए हीरो मोटो के अंदर आज हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। आज के लिए ट्रेडर्स मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक था हैवेल्स। हैवेल्स के अंदर ट्रेडर्स आज हम लोग को बहुत ही शानदार प्रॉफिट बना है। हम लोग देख सकते हैं हमारा टारगेट था इसमें 1280 को, और ये जाकर के लो बना है अप्रोक्सीमेटली 1271 के अराउंड में। तो हैवेल्स ट्रेडर्स आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। और आज के लिए मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक था BLS इंटरनेशनल। इसके अंदर भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला। हम लोग देख सकते हैं ये आज ओपन हुआ था 282 के अराउंड में, हम लोग को इसे सेल करना था 280 के जस्ट नीचे, और हमारा टारगेट था इसके अंदर 276 का, और हम लोग देख सकते हैं आज ये लो जाकर के बनाया है 264 का। तो ट्रेडर्स BLS इंटरनेशनल भी आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। और साथ ही में आज के लिए हमारा आखिरी इंट्राडे स्टॉक था TCS। TCS बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया था, इसीलिए मॉर्निंग टाइम में हम लोग को इसके अंदर कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही शानदार हम लोग को मोमेंटम होते हुए नजर आया, और ये भी आज हमारे लिए प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन सारे स्टॉक्स में से कितने में इंट्राडे ट्रेड आज लिया था, और कितने सारे स्टॉक्स में आप लोगों से आज मिस हो गया है। साथ ही में आप लोग ये भी बताइएगा कि GRSE के अंदर आप लोगों में से कितने लोगों ने इंट्राडे ट्रेड लिया था। पर्सनली इसे मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर तो किया था, पर मैं खुद इसके अंदर एंट्री नहीं ले पाया था आज, क्योंकि बहुत ही सडन मूवमेंट देखने के लिए मिला। तो आप लोग अब बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था, मुझे ये जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ट्रेडर्स आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, और जरूरी नहीं है कि कल भी हम लोग को हर एक स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मिले। अगर प्रॉपर हम लोग को ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तभी हम लोग किसी भी इंट्राडे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। और साथ ही में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो भी एनालिसिस आज मेरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है उसमें आप लोग कल हाफ क्वांटिटीज के साथ ट्रेड कीजिएगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल द मार्केट वर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।